हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बिहार में इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं, बस चंद घंटों में पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती है। जो इतने तमाम बयानबाजी किए जा रहे थे वो अब आके थम चुके हैं, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। अब बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है बस कुछ ही घंटों में बिहार वासियों के सामने होगा, ये तय हो जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती है। हम इस बार मौजूद हैं पाटलिपुत्रा में, जहां पर हम कुछ लोगों से बातचीत में पता करेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बने। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, आप क्या चाहते हैं बिहार में इस बार किसकी सरकार आए? देखिए, ये पर्सनल राय हो सकता है मेरा, बट मैं चाहता हूँ कि एनडीए ही बने उसके, या एनडीए ही बने। रीज़न है कि आई होप कि आपने देखा है कि पिछले 15 साल, मैंने तो नहीं देखा बट मेरे जो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि उस लेवल पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना एजुकेशन था, ना कुछ था जो अभी हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल यू, आप एक लेडी जर्नलिस्ट हो, आई होप कि यदि ये 15 साल आरजेडी रहता तो आप लेडी जर्नलिस्ट आप मेरे से नहीं पूछ रही होती। ये चेंजेज है, ठीक है। तो बहुत लंबा नहीं सोचना है कि 10 लाख नौकरी मिल जाएगा या फिर तुरंत वो हो जाएगा, बट आई होप धीरे ही धीरे हो। बट लेकिन सर, तेजस्वी यादव का ये कहना था कि पहली हस्ताक्षर की बैठक में वो 10 लाख सिर्फ रोजगार नहीं देंगे बल्कि सरकारी नौकरी जो है वो देंगे। बिहार में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जानते हैं कि युवाओं को कैसे आकर्षित करना है, और उन्होंने ये दांव खेल दिया है कि वो पहली हस्ताक्षर में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यदि कोई स्टेटमेंट आता है किसी भी पार्टी की तरफ से कि मैं 10 लाख जॉब दे रहा हूँ, तो पहला तो ये कि 10 लाख जॉब डे वन को क्रिएट नहीं कर सकते आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो झूठा बात है। आप अपने ऑफिस में 5 जॉब नहीं क्रिएट कर सकते यदि आप एमडी हो तो भी। नया दूसरा कि सेकंड थिंग कि आप यदि बनाना चाहते हो बिहार को उस लेवल पे जिस लेवल पे आप बता रहे हो, तो आपको 2-3 साल पहले से प्रोजेक्शन देना चाहिए था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, और उसका रोड मैप क्या है। लाइक कि US इलेक्शन, वहाँ पे लोग डिबेट ही नहीं करते हैं, उसका रास्ता भी बताते हैं, तो उनका रास्ता तो उन्होंने नहीं बताया। सेकंड थिंग कि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, वो दे सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि पैसा है कहाँ बिहार में, पैसा है कहाँ, पैसा आ नहीं रहा है, और पैसा तब आएगा जब। लेकिन ये एनडीए ने भी कहा है, बीजेपी ने कहा है कि वो 19, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि सरकारी नौकरी की उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार अपनी जनसभा के दौरान ये कह रहे हैं कि पहली बैठक के हस्ताक्षर में वो 10 लाख सरकारी नौकरी जो है युवाओं को देंगे। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी जो है उन्होंने भी कहा है कि वो 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या लगता है ये संभव है? देखिए, यदि आप बोलें कि सरकारी नौकरी देंगे और आप बोलें कि नौकरी देंगे, उसमें बहुत अंतर है। आप स्किल इंडिया के थ्रू जा सकते हैं। आप जैसे यूपी में क्या है कि लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्ट आया है कि आप यदि कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो पहले गवर्नमेंट से आप रजिस्ट्रेशन कराइए, कुछ काम सीखिए, फिर जाइए, तो एक जॉब वो हो गया। दूसरा कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब दे देंगे, ये तो बिल्कुल झूठ है। आई डोंट थिंक नहीं होता। तो देखा आपने, पहले रुझान में जहां एक तरफ महागठबंधन काफ़ी लीड में नज़र आई, तो वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि नीतीश कुमार जो है वो भी अब उनके भी आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का जो काउंटिंग है वो जारी है, अभी हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? इस बार तो अभी फिलहाल तो आगे चल रही है RJD। और नहीं सर, अभी दूसरा रुझान चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, तो उसमें नीतीश कुमार मतलब एनडीए आगे दिख रहा है। नहीं होगा। क्यों? कि गरीब के दिल से वो निकल चुके हैं। ये सारा जो लॉकडाउन हुआ उसमें एक बार भी कहीं भी नीतीश बाबू स्टेटमेंट नहीं दिया आके, समझे कैसे लोग जी रहे हैं कि मर रहे, और तो और कह दिए जो जहाँ है वहीं रहें, तो कैसे रहेगा? न राशन है, न खाने को है, न सोने को, मकान मालिक घर से निकाल दे रहा लोग को, काम देने वाला काम से भगा। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार देंगे, गरीबी हटाएंगे, पलायन दूर करेंगे? कुछ नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इनको हटना ही चाहिए। नीतीश कुमार का दिन पूरा हो गया? नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि गरीब देखे अभी लॉकडाउन में कहीं भी आए हैं, TV पे भी स्टेटमेंट दिए हैं कि कोरोना काल में क्या हो रहा, कुछ भी नहीं, पार्क में निकलते हैं टहलते फिर घर में घुस जाते हैं, गरीब कैसे जी रहे हैं इसके उससे कोई मतलब नहीं। कहने के मतलब सरकार किसी की भी हो, गरीब के लिए नहीं है, चाहे के लिए नहीं है,
या नीतीश हो, कोई हो गरीब, लेकिन फिर भी आप क्यों चाहते, जब आपको पता है, जब आप ये खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो गरीबों के लिए नहीं है, तेजस्वी, हालांकि तेजस्वी यादव भी गरीबों के लिए नहीं है, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार ना आए? ठीक है, ये गलती की तो इनका सरकार गया, तो कम से कम वो सही करे ताकि आगे भी वो चले, उनकी सरकार चले, गरीबों को देखें। यही लोग चाह रहा था कि गरीब के लिए कुछ करें, इसलिए नया आदमी को बाहर, मतलब तेजस्वी यादव से कुछ उम्मीदें लगा लगी है, हाँ, ताकि कुछ करें। क्या लगता है इस बार तेजस्वी तय है या फिर बिहार में नीतीश कुमार के साथ बाहर होगी? जैसा कि जैसा अभी रुझान आ रहा है उस हिसाब से तो तेजस्वी तय है, और होना नहीं, एनडीए भी बढ़ रहा है अभी, नहीं तो वो अब सेकंड स्तर का वोटिंग चल रहा है, अभी फाइनल स्टेज का जब वोट आएगा तो आपको दिख जाएगा क्या है धारा। मतलब तेजस्वी यादव इस बार चुनाव में है, मतलब जीतने वाले हैं मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो चुके हैं ना? आप भी कंफर्म हो लो? नहीं नहीं, कंफर्म तो मैं नहीं होंगी, अभी तो रिजल्ट बताएगा, बिहार विधानसभा काउंटिंग जारी है, अभी कुछ घंटों में बस हमें पता चल जाएगा बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का रीज़न है कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातों को घुमाया और जनता को गुमराह करने का काम किया है 10 साल उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने बहुत घुमाया, जनता को मैनिपुलेट करने का काम किया है, और तेजस्वी यादव यूथ हैं इसलिए हम लोग यूथ के साथ हैं और उनको भी अपनी कमियां। क्या लगता है कि वो पहली बैठक के हस्ताक्षर में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे पाएंगे? पहली बैठक के हस्ताक्षर में तो नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तेजस्वी यादव का कहना है, ये तेजस्वी यादव का कहना है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो पहली बैठक की हस्ताक्षर में वो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल, उनका मैनिफेस्टो में तो है ये चीज़, और सबसे बड़ा यही चीज़ रहा है उनका मुद्दा कि हम रोज़गार के मुद्दे पे वोट करवाया गया इस बार, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि रोज़गार हम करेंगे और रोज़गार बिल्कुल देंगे वो, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि आपको तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीद है। बिल्कुल सर, क्या लगता है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि युवाओं के लिए रोज़गार की बात कर रहे हैं और युवाओं को चाहिए रोजगार, तो बात कर रहे तो मतलब रोजगार देंगे। बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है कि 19 लाख रोजगार देगी, पलायन भी दूर करेगी, हालांकि तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? 15 सालों में एनडीए ने जो दिया है वो जनता देख रही है। 15 साल से एनडीए नहीं थी यहाँ पे नीतीश जी दे दिए ना, 15 साल उनको दिए, तो इस बार युवा को दे करके देखते हैं आगे विकास क्या होता है, और मुझे आशा है कि तेजस्वी यादव जी बिहार को आगे ले जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बने? जी बिल्कुल। सर क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? देखिए, मैच तो अब चालू हो गया है और अभी हम काउंटिंग देख के आ रहे हैं, एकदम 2-2 पॉइंट हो रहा है, और सर पहले रुझान में महागठबंधन एकदम से आगे बढ़ गया, 126 सीट हम लोग भी देख के आ रहे हैं। लेकिन मेन हमारा ये कहना है कि हमने एक महीना पहले भी बोला था कि ये जो गेम हो रही है, क्या कि जो अभी जो सरकार है उन्होंने भी कुछ काम किया है और अभी नए जो आ रहे हैं उन्होंने भी कुछ वादा किया है, अब दोनों के बीच में अब कौन जो तालमेल बैठाएगा, अब इसका ही गेम है, और ये जस्ट लाइक आईपीएल की तरह हो गई है। आईपीएल का मतलब है कि हर एक मैच टूर्नामेंट जो है फाइट टू फाइट हो गया, यही लेकिन पता है सर काउंटिंग में ये दिखा रहा है बहुत कांटे की टक्कर है गठबंधन और एनडीए के बीच में, कभी भी जो गेम है वो कभी भी किसी भी मोड़ पर पलट सकता है। यही चीज़ जो है हम एक महीना पहले भी बोला था कि जो महाराष्ट्र का जो गेम हुआ था वही गेम फिर पटना में बिहार में भी होने जा रहा है, और यही चीज़ होना चाहिए, अगर जब तक ये चीज़ नहीं होगा तो हमारी जो सरकार बनेगी वो रोज़गार और भी बहुत सारा जो प्रोग्राम है वो नहीं कर पाएगी, जब तक फाइट टू फाइट नहीं होगा। देखें कि लोकसभा में तो एक तरफा बहुमत मिल गया, इससे हमारी सरकार जो है जो यहाँ और भी काम होना चाहिए था कोरोना काल में, और हमारे एनडीए सरकार जो अभी जो थोड़ा मोड़ा जो पीछे चल रही है वो कोरोना काल से ही चल रही है, कोरोना काल में जो उन लोग को प्रोग्राम रखना चाहिए था कि कैसे हमको 6 महीने के बाद मेरा इलेक्शन होने वाला, हम कैसे वर्क करें, और कितना बेरोजगारी बढ़ गया, कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजी नहीं प्लान की थी, है ना? बस ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हम भी आवास से जुड़े हुए हैं और नॉन निर्माण काम जो फर्स्ट लॉकडाउन में जो उन्होंने बंद किया, आज देखिए घर घर में चोरी हो रही है, ये सब क्या है? ये हमारी सरकार जो है ना उस समय प्रोग्राम नहीं रखी, और उस समय अगर ये लोग प्रोग्राम रखते तो हमारे सब लेबर के पॉकेट में। सर लेकिन जब मुझे याद है जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी सरकार बनाई थी, जब वो अपने मतलब सरकार में मतलब पावर में थे, तो उनके टाइम में भी चोरी बहुत होती थी,
किडनैपिंग बहुत होती थी, उसके हिसाब से तो वो नहीं कर रहे हैं। समय बदलता है, उस समय लालू जी की गवर्नमेंट थी, अब तेजस्वी की भी आने जा आ रही है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस। लालू जी गांव में रहे, तेजस्वी जी शहर में रहे, ये सब चीज़ जो अब कहना बेकार है। अब केवल कैसे हम लोग का विकास, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिहार में बदलाव की गंगा लाएंगे, यही लगता है। कल ही बोल दिए कि अगर हम लोग जीतते भी हैं तो कोई भी गुलाल ये सब नहीं खेलना है। ये वर्ड जो है हमारी जनता में चली गई है, और किसी तरह से भी अगर महागठबंधन जीत जाती है तो आप देखिएगा बहुत शांतिपूर्वक सब काम हो जाए। उन्होंने ये बोला कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, गुलाल नहीं उड़ाए जाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो अपनी ही मतलब टीम को, अपने ही टीम मेंबर्स को ये चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा ना करें, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उनकी सरकार नहीं बनती है या इवन बनती है तो ये जो है आरजेडी के कार्यकर्ता या फिर जो भी लोग हैं इस तरह के काम करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, उन लोग तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं और बहुत ही नीचे स्तर के हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या सुरक्षा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उन लोग सोचते हैं कि हम आई विनिंग, अब हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। ये चीज़ तो हमारे जो मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो तो अपने सदस्य को तो सुझाव देंगे ही। कल मैं बैठा जिसमें तो उन्होंने आके श्याम रजक ने सुझाव यही दिया कि आप लोग संभल के चले, अभी काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग जब तक नहीं हो जाती है तब तक आप लोग कुछ घोषणा न करें और आराम से आप लोग जो है ना जो व्यवहार बनाए हुए हैं, और मेन क्या है समाज में शांति, ये चीज़ पर ही इलेक्शन हुआ है। जो हमारे एनडीए सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, हाँ, और इसको लेके और हमारे जो महागठबंधन ने उसको भी तोड़ते हुए कहा कि नहीं हम रोजगार बढ़ाएंगे, और ये शांति मामला तो ये पुलिस प्रशासन की है और हम उस पर सुरक्षा देंगे पुलिस को, तो पुलिस भी हम लोग को सुरक्षा देगी, तो ये लेकिन तो पुलिस को भी गवर्न सरकार ही करती है। हाँ, तो वही ना, वो जैसे गाइड करेगी उसी तरह से हमारे, और वो तो हमारे तेजस्वी जी, अब मेन क्या है कि अभी तो मैं खुल के बोल नहीं सकता हूँ कि हमारे नीतीश जी बन रहे हैं कि तेजस्वी बन रहे हैं। मैं तो इसको एक महीना पहले ही एक महीना पहले ही मैंने बोल दिया था ये सिस्टम महाराष्ट्र वाला गेम होने जा रहा है। महाराष्ट्र में जो गेम हुआ था वो किस पार्टी कब किधर पलटी फिर कौन पलटा, और गेम जो तोड़ फोड़ वाली मतलब जो है एंड एंड तक मुकाबले का टक्कर होगा, यही गेम का मतलब ही है। तो देखा आपने, बिहार वासियों यानी पटना वासियों को कहना है कि इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी, इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, चंद घंटों में हम सबको पता चल जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनती है। क्या इस बार फिर से तेजस्वी तय है या फिर नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से बिहार में बाहर आएगी। तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।